IMF की पाकिस्तान को एक अरब 10 करोड़ डॉलर फौरी जारी करने की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास वाशिंगटन में हुआ। आखिरी किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी गई। 9 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत 1.9 अरब डॉलर्स पहले ही मिल चुके। रकम मुंतकिल होते ही 9 माह पर मुहित स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगा। We had to borrow loans at expensive rates. I mean, we were not at fault at all. For no rhyme or reason, our country was hit in a way that in my lifetime, I have never seen this kind of catastrophic situation. And now that we have taken over, कर्जों का जाल हमारे लिए मौत का फंदा बन चुका। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में आलम इक़्तिसादी फोरम में इज़हार ख्याल। बोले कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी, तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत पर मनफी असरात पड़े। मौसमियाती तब्दीलियों से भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नुकसान उठाना पड़े। मुल्क में बड़े पैमाने पर असलाहत की जानिब जा रहे हैं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मुल्क की माशी बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के कई वज़रा की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके, तिजारत बढ़ाने के लिए इकदामात उठाएंगे। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा ताजरों और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान जाएगा। वज़ीर आज़म से रियाज में मलेशिया के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब और ईरान के बाद अमरीका के वफद की भी पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। सिफारती ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी अमरीकी वफद की क़यादत अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस कर रहे हैं। दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफसल जायजा लिया जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामला भी ज़ेर गौर। गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान सरापा एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने धरने की कोशिश नाकाम। पुलिस का लाठीचार्ज, 30 मुजाहरीन हिरासत में। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर भी गिरफ्तार। मुख्तलिफ इलाकों से आए 18 मुजाहरीन मांगा मंडी से पकड़े गए। चीचावत्ती में मुख्तलिफ देहात से 26 किसान गिरफ्तार। पाकपतन में किसान इत्तेहाद के मरकजी नायब सदर की गिरफ्तारी। पंजाब में अपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती। पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। साहब उनका मुतालबा सही था, जलसा करना उनका हक है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, हल्फ के बाद पहली मरतबा असम्बली इजलास में शिरकत। असद कैसर के जलसे करने के मुतालबे की हिमायत कर दी। कहा कि ये आवाम का नुमाइंदा ऐवान है, ये इस्टेब्लिशमेंट का तरतीब करता है। इत्तलात है पूरी असम्बलियाँ बेची गईं। क्या फैसले दीवार के पीछे की कुवते करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। केपी में अमन व अमान ठीक। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसे जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। हमारे साथ रवैया ठीक ना किया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। लाहौर और कराची जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कौमी असेंबली के इजलास में चैलेंज। बोले मुल्क में आइन कानून के मुताबिक चलना है, तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जा रहे। असेंबली में मुस्तरद शुदा लोग बैठे हैं। असद कैसर ने 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा यह मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की तस्दीक की गई। जनाब ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था, आप पिछले दरवाजे से निकलकर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो। आप तो अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब।
कहा कि चाहते हैं ऐवान का तकद्दस बहाल हो, कभी सब्र का दामन छूटने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वाले अपनी रवायात को याद करें, अपने दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। अरकान कौमी असम्बली ऐवान में आकर अपनी लोकेशन कहीं भेजा करते थे। क्या उन्होंने चार साल में करोड़ों नौकरियां लाखों घर बना दिए? अवाम बेवकूफ नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, बात करने का मकसद एस्टैब्लिशमेंट को बताना है सियासी मामलात से दूर रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की एक न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। बोले बानी पीटीआई ने अपनी कैद से पहले भी कहा था एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, कमेटी भी बनाई थी, ये 1.25 साल पहले की बात है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। हर इदारे के अपने अहदाफ होते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुसूसी प्रवास के जरिए लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ दोबारा अब सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को लाहौर में तलब। इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। नवाज शरीफ बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद नोटिस का मामला। 6 रुकनी लार्ज बेंच हाईकोर्ट जजेस खत के मामले पर सवाल करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अथर मिन अल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट आज केस में फरीक बनने की 9 मुतरकब दरख्वास्तें भी सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को आज तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया अली अमीन गंडापुर जाती हैसियत में पेश होकर असासों से मुतल्लिक वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी की। मानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्जे के बयान की हिमायत। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को एस्टैब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया, उन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही। पीएससी चेयरमैन के लिए उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक हतमी फैसले और नाम का बताया जाएगा। दूसरी आने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद, बानी पीटीआई से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल सूबे और पार्टी के उमूर पर बात। तुर्किया के बर्री अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेज के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ का मुसल्ला अफवाज के दरमियान तावन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तुर्क कमांडर ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा।